लकड़ी पर हाथ रगड़ने की वजह से आपको भी ये स्प्लिंटर एक ना एक बार जरूर लगा होगा, जो दिखने में तो काफी छोटे होते हैं लेकिन इनसे होने वाला पेन बहुत ही दर्दनाक होता है। अब नॉर्मली जब स्प्लिंटर स्किन के ऊपर होता है तो उसे आसानी से निकाल लिया जाता है, पर कई बार क्या होता है कि ये आपके पैर या हाथ की स्किन के अंदर चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और समय के साथ ये स्प्लिंटर स्किन के काफी अंदर चला जाता है जिसे आप चाह कर भी नहीं निकाल पाते। पर कई बार स्प्लिंटर का एरिया डैमेज होने की वजह से उसके चारों तरफ मवाद भर जाती है जो स्प्लिंटर के नीचे प्रेशर का काम करती है, और अगर आप लकी रहे तो सूजन ठीक होने के बाद वो स्प्लिंटर अपने आप स्किन के बाहर आ जाएगा, पर कई बार ये स्किन के काफी अंदर चले जाते हैं और अपने आप बाहर नहीं आ पाते जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है।